मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन 22 अभिभावक गिरफ्तार, एक परीक्षार्थी निष्कासित हुआ। जिले के त्रिवेणीगंज में मैट्रिक परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए पूरे दिन अनुमंडल पदाधिकारी एसजेड हसन व डीएसपी गणपति टीम के साथ पूरे दिन सभी परीक्षा केंद्र पर भ्रमण करते हुए दिखे। वहीं मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन गुरुवार को अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर कदाचार कराने का भी आरोप में 22 अभिभावकों को गिरफ्तार किया, जबकि कदाचार करने के आरोप में एक परीक्षार्थी को निष्कासित भी किया गया है। मैट्रिक की परीक्षा हो रही है, हमारे यहाँ 5 सेंटर है, 3 लड़कियों का सेंटर है, 2 लड़कों का सेंटर है। सभी जगह पे मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त है। 500 गज की दूरी पर धारा 144 लागू है और अभी तक जो और लगातार गश्ती दल और हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर सभी केंद्रों पर भ्रमणशील है और सख्ती से हम लोग फ्रिस्किंग भी कराए हैं और परीक्षा भी सख्ती से। विधि व्यवस्था कैसी है सर? विधि व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, विधि व्यवस्था की पार्ट है जो अभी हम लोग मॉर्निंग से ही पूरा भ्रमणशील हैं। 8 बजे तक सभी पुलिस मजिस्ट्रेट अपने केंद्र पर पहुँच के बच्चों को प्रवेश कराया, अब क्वेश्चन वितरण हो गया और परीक्षा शांतिपूर्ण से चल रहा है।